तो राम राम सही भाइयों को, क्या है ना भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों फिर से हमें टाटा पंच का एक लीक वीडियो मिला है, ये कार क्रैश नाम के यूट्यूब चैनल से मिला है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइलिंग की बात करें तो आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलने वाली है, साथ साथ टाटा का लोगो, आपको बम्पर इसमें ब्लैक कलर का ही मिलने वाला है और साथ ही साथ इसमें आपको टाटा एरे वाले DRLs मिलने वाले हैं और 16 inches के इसमें आपको डायमंड कट अलॉय मिलने वाले हैं दोस्तों। बाकी अगर मैं इसकी आपको साइड की क्लैडिंग की बात करूं तो आपको ब्लैक कलर की साइड क्लैडिंग मिलने वाली, जो कि SUV गाड़ी का एक फील देती है। साइड से इसमें आपको दोस्तों देख सकते हैं, साइड में आपको कोई भी स्किप प्लेट्स नहीं मिलेंगी। बॉडी कलर इसमें आपको डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी का जो रूफ है वो ब्लैक कलर का दिया गया है, यानी कि डुअल टोन कलर का इसमें आपको रूफ मिलने वाला है। बाकी आपको रियर प्रोफाइलिंग की बात करें तो रियर में आपको पंच की बैजिंग मिलेगी, टाटा की बैजिंग मिलेगी, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत छोटी सी इसमें आपको टेल लाइट्स मिलने वाली, जो कि LEDs में आएंगी। नीचे आपको रिफ्लेक्टर का भी ऑप्शन दिया गया दोस्तों। बाकी गाड़ी की जो टेल लाइट्स है काफ़ी शानदार है, आपको काफ़ी अच्छी इसकी रात को लाइट मिलने वाली है। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो अंदर से भी आप देख सकते हैं इसमें आपको वाइट कलर का जो इसका डोर पैनल पे आपको इंसर्टिंग्स मिलने वाली है और इसके डैशबोर्ड पे भी आपको वाइट कलर का फील मिलने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार लगता है दोस्तों। बाकी इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम आपको मिलने वाला है, इसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप के AC वेंट्स मिलने वाले हैं, फ्लोटिंग आपको डिस्प्ले मिलने वाली है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलने वाला है, नीचे आपको डेड पेडल भी का भी ऑप्शन दिया गया है। स्टीयरिंग इसमें आपको ऐसा कुछ मिलेगा, डी कट स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी इसमें आपको लेदर सीट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसमें आपको फैब्रिक सीट्स का ही ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट में इस गाड़ी में आपको LED DRS मिलने वाली हैं, जो कि इंडिकेटर्स के साथ आते हैं। बाकी इसमें आपको हम लाइटिंग की बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलने वाला है, जो कि HID में आएगा। गाड़ी आपको फ्रंट से थोड़ी मस्कुलर लगने वाली है, काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी होने वाली है। नीचे आपको फोग लैंप मिलने वाला है, ऊपर आपको प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम के लिए और हैलोजन मिलेगा आपको हाई बीम के लिए। बाकी इसमें आपको देखो हॉर्न की जो प्लेसमेंट है वो कैसी दी गई है, साफ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इसमें डिसअपॉइंटिंग आपको लगने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है इस गाड़ी की, 180mm के अराउंड आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। ज़्यादा बड़ी गाड़ी तो नहीं है दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि ज़्यादा बड़ी गाड़ी है तो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया है, बस ये है कि एक आपको कॉम्पैक्ट SUV मिलने वाली है, जो कि ठीक ठाक स्पेसिंग के साथ आने वाली है। रियर की बूट्स की बात करें तो 280 लीटर के आसपास इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। लोडिंग लिप भी इस गाड़ी में आपको लो रखी गई है। बाकी अंदर से आप ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, पार्शियल ट्री का भी ऑप्शन इसमें आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ बूट में आपको लाइट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था एक टाटा पंच का आपको एक वॉक अराउंड देना था कि गाड़ी आपको कैसी दिखती है। बाकी आपको पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं। तो यही था आज की हमारी वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।